प्रभु श्री राम अपने भक्तों के लिए कितने खास हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हरियाणा के अंबाला से आया है। आज की खबर बेहद खास है। दरअसल इस साल जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो दूर दूर से भक्त रामलला के दर्शन करने अयोध्या धाम पहुंचे। अयोध्या धाम पहुंचने के लिए भक्तों ने कभी गाड़ी तो कभी ट्रेन को जरिया बनाया। ऐसे में अंबाला के मुकुल सचदेवा की कहानी आपको हैरान कर देगी। दरअसल मुकुल सचदेवा ने संकल्प लिया है कि वो अयोध्या धाम के दर्शन करेंगे, लेकिन पैदल यात्रा के जरिए। उनकी इस भव्य यात्रा का आगाज हो चुका है। मुकुल ने अंबाला शहर के सनातन धर्म मंदिर से पर माथा टेका, जय श्री राम का नारा लगाया और इसी के साथ अयोध्या धाम के लिए अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। ये यात्रा 800 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी होने वाली है। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसी दिन मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं जब भी राम मंदिर जाऊंगा तो पैदल चलकर ही जाऊंगा। तो आज प्रभु की कृपा से वो दिन आ गया है और आज मैं अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ कि लगभग 800 किलोमीटर की ये यात्रा रहने वाली है और भगवान जी मेरे साथ हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी यात्रा सफल हो। मुकुल कहते हैं कि उन्हें जनता का सहयोग भी मिल रहा है। कई लोगों ने उन्हें कॉल करके आश्वासन दिया कि वो उनका सहयोग जरूर करेंगे। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। मुकुल अपने साथ एक बैनर लेकर जा रहे हैं। उसे बैनर पर इस यात्रा का पूरा लेखा जोखा लिखा है। एक खास बात और है जो मुकुल के बैनर से पता चलती है। मुकुल की ये यात्रा सिर्फ अयोध्या धाम के दर्शन के लिए ही सीमित नहीं है। मुकुल एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए लगातार लोगों को जागरूक करते रहेंगे। वो इस बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। मेरे पास बहुत फोन भी आए, शाहबाद से, पानीपत से, यमुनानगर से, लखनऊ से। लोगों ने कहा पूरे रास्ते में सहयोग देंगे, सम्मान करेंगे, सब कुछ करेंगे। लोगों का पूरा सहयोग। तो आज की कहानी अंबाला टू अयोध्या की थी। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपके आसपास भी ऐसे ही कुछ खास किस्से हैं तो उन्हें हम तक जरूर पहुंचाएं। मैं लोगों को संदेश देता रहता हूं, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो। मैं इसीलिए जा रहा हूं कि सनातन धर्म को बढ़ावा मिले। और एक मेरा लोगों को मैसेज है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और हमारी लाइफ बढ़ाएं। बस ऐसे ही भगवान श्री राम जी ने शक्ति दी। ऐसे तो किसी के मन में आता नहीं है, मेरे मन में आया तो मैं जा रहा हूं।